प्याज, लौकी, चीज़, पनीर, आटा। हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये देखिए, मेरे ससुराल में जो मंदिर है, ये वहाँ पे माता जी बैठी हैं, तो हमारी दुर्गा माँ पूजी जाती हैं और आशापुरा माँ कुल देवी हैं। तो अष्टमी को, नवरात्रि की अष्टमी को पूजन करने के लिए मैं मेरे ससुराल में आई थी। तो बस यहाँ पे मैंने माता जी के मंदिर को सजाया था, तो छोटी सी क्लिप ली। और ये है बाद की करवा चौथ की, तो ये करवा चौथ माता का मैंने यहाँ पे तस्वीर लगाई हुई है और ये फूल दीप किया है और यहाँ पे श्रृंगार का सामान रखा है। और ये सारा श्रृंगार का सामान मैं मेरी जो सासू माँ है उनको दूंगी, क्योंकि बोलते हैं करवा चौथ में श्रृंगार का सामान सास को दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये उनके लिए मैं श्रृंगार लाई थी। और ये देखिए, मैंने हवन किया हुआ है, तो आहुति दी थी, तो उसमें ये माता जी का वो किया था। और ये देखिए, हमारे मतलब पूड़ी बनती है और मीठे पुए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने करवा चौथ माता की कहानी पढ़ ली थी और मैंने जिया के साथ मिलके, और यहाँ पे अच्छे से धूप दीप कर दिया है। ये मेरे राधे कृष्ण हैं जिनकी मैं सेवा करती हूँ, आप सभी को पता है। तो मैं बस उनकी भी वीडियो हर बार लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। और वो जो पीछे जो दुर्गा माता की मूर्ति जी है ना, वो मैं मेरे ससुराल से लाई थी। और ये देखिए, बस यहाँ पे मैंने अच्छे से पूजा वगैरह कर ली है। अब चांद का इंतज़ार कर रही हूँ, जब भी चांद निकलेंगे तब उनकी पूजा करूँगी। और मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पे नहीं है, तो मुझे अकेले ही करवा चौथ करना है, क्योंकि वो जॉब पे हैं, जयपुर में जॉब करते हैं, तो वो नहीं आ सकते थे। तो बस यहाँ पे मैंने अभी ये अच्छे से पूजा पाठ कर ली है, देन उसके चांद जब निकलेगा तब मैं चंद्रमा को अर्घ देके और अपना व्रत खोलूँगी।